यहाँ पे इस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो रूट टेन एक्स अपॉन साइन टू एक्स हमको दे रखा है फंक्शन। तो सबसे पहले हम टेन एक्स को जेड स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे, फिर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू जेड डी जेड। डी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, वो आ जाएगी टू जेड कोस स्क्वायर एक्स डी जेड। इस सेक स्क्वायर को हमने इधर डिवाइड करा है और वन अपॉन सेक क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली टर्म मिल जाएगी हमको। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे, डी एक्स की जगह डी एक्स की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, और साइन टू एक्स फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कोस एक्स, वो हमने पुट कर दिया। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, कोस से एक कोस कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद हमारे पास बचा जेड स्क्वायर अपॉन टेन एक्स। और टेन एक्स हमको पता है क्या है, जेड स्क्वायर एक्स ही है, तो जेड स्क्वायर एक्स रख दिया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, वन डी एक्स मिल गया। और वन का क्या होता है, इंटीग्रेशन जेड होता है, तो जेड प्लस सी आपका आंसर हो गया। और जेड की वैल्यू हम वापस क्या पुट कर देंगे, रूट टेन एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रूट एक्स अपॉन रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन क्या पुट कर रहे हैं, एक्स क्यूब इजिकल टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए क्यूब तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है, चेन रूल अप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। उसके बाद डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये वैली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। जैसे एक्स वाली टर्म को इस एक्स वाली टर्म के साथ सेट कर दिया, और यहाँ से ए क्यूब आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो ए टू द पावर थ्री बाई टू आपको मिलेगा, और वो ए टू द पावर थ्री बाई टू और यहाँ पर ऊपर ए क्यूब है, तो वो एलिमिनेट होकर ए टू द पावर थ्री बाई टू यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम सेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम जो है यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे वहाँ पर। ये रेफरेंस हमने लिया ही है, ये ऊपर हमने कंसिडर किया ही है कि एक्स क्यूब इजिकल टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पुट करने के बाद हमको ये मिल जाएगी वैल्यू, साइन थीटा से साइन थीटा कट, ए टू द पावर थ्री बाई टू से ए टू द पावर थ्री बाई टू कट, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे डी थीटा बचेगा ओनली, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था वहाँ से हम थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन एक्स अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स, राइट। तो सबसे पहले टेन को साइन अपॉन कॉस की कॉस एक्स की फॉर्म में कर लिया हमने, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की फॉर्म में लिख लिया, देन एलसीएम लेकर के ये वाली टर्म हमको मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर है उसको हम जेड कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे उसका, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी जेड अपॉन टू बी माइनस ए। यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स तो इधर ले लिया, बाकी टर्म को हमने डी जेड के साथ इधर कर दिया सेट, ठीक है, कॉन्स्टेंट ही है वो। तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर क्या दे रखा था, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और हमको फिर ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें वन अपॉन टू बी माइनस है तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया हमने, और वन अपॉन जेड का जो होता है इंटीग्रेशन होता है वो लॉग जेड होता है, और जेड की वैल्यू हम वापस से वही पुट कर देंगे जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस टू द पावर फाइव एक्स। तो इसको सबसे पहले हम टेन और सेक की फॉर्म में कर लेंगे, तो साइन एक्स और कोस अपॉन कोस एक्स तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। फिर इसमें कोस टू द पावर फोर एक्स बचेगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक टू द पावर फोर एक्स लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद जो हम यहाँ पर इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। फिर टेन एक्स को हमने जेड कंसिडर कर लिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, तो ये वाली टर्म मिल जाएगी। फिर ये हम इस वैल्यू की जगह हम डी जेड रख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर डी जेड रख देंगे और टेन एक्स की जगह हम यहाँ जेड पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट टर्म हमको मिल जाएगी रूट जेड डी जेड। सिंपल इंटीग्रेशन इसका करना है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ में ले लेंगे तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। जेड की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, देन फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस कोट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कोट एक्स को हम जेड मान लेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया हमको ये मिल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी एक्स भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसके साथ डी एक्स भी आएगा और डी जेड। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम जो है क्या पुट कर देंगे, डी जेड पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म हमको मिल जाएगी, ठीक है, और ये तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये सिंपल फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। सिंपल ये फॉर्मूला हम यूज़ में ले लेंगे और फाइनल आंसर हमको ये मिल जाएगा, जेड की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी जेड और आएगा इसके साथ डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। फिर इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, डी जेड पुट करा है, ठीक है।